जैसा कि हम पढ़ रहे थे यूरोप का सैनिक एकीकरण, और सैनिक एकीकरण के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे वारसा पैक्ट। अब यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं, पूर्वी यूरोप का। और पूर्वी यूरोप में हम पढ़ चुके हैं वारसा, ठीक है, किसको पढ़ चुके हम, वॉर सपेक्ट 1955। और मैं बता भी चुका हूँ आपको, सीटो हो चुका है, सेंट्रल साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955, क्योंकि काम करना शुरू किया था 1954 में सीटों की स्थापना के बाद। सेंटोन स्थापना हुई 54 में, 55 में काम कर रहा है, और इसकी स्थापना 55 में हुई, तो इसकी प्रतिक्रिया में वार्स आया था, ठीक है। 14 मई याद रखिए आप। तो ये एकीकरण हम कर चुके हैं। अब हम अपना अगला जो था वो हमारा था CMA, ये हम इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं। पहले छोटा लिखा था मैंने, मैं बड़ा लिख देता हूँ, काउंसिल। फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, असिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, पहली बार तो ये ध्यान कर लीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण के लिए या पश्चिम में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए कौन सा प्लान लाया, मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत। ये किन मामलों में है, नाटो नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। ये किन मामलों में है योजना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना किसे, यूरोप को। कौन से यूरोप को, पश्चिमी यूरोप को, क्योंकि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो भी एकीकरण हो रहा है पूर्वी यूरोप का, वो एक तो किसके बाद हो रहा है, पश्चिमी यूरोप के एकीकरण के बाद हो रहा है। पश्चिमी यूरोप के एकीकरण के बाद हो रहा है, तो तीनों तरह के जो प्रयोग हैं वो किसके बाद हो रहे हैं, पश्चिम के द्वारा या अमेरिका के द्वारा पश्चिम के एकीकरण करने में जो योगदान दिया गया है, उस योगदान को ध्यान में रखते हुए अब USSR भी क्या कर रहा है, पूर्वी यूरोप का एकीकरण कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कारण बताया, मतलब आधार, इसका बैकग्राउंड जो बताया मैंने, तो 5/1/1949 को स्थापित हुआ CMEA। क्या करना था, इसका कार्य क्या था, इसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, इसके बैकग्राउंड में काम कर रही है ये भावना, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, या कार्य या ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था, USSR के नेतृत्व में सदस्य देशों का, सदस्य देशों का आर्थिक एकीकरण किया जाना। क्या उद्देश्य है इसका, आर्थिक एकीकरण किया जाना, किसका, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों का। तो ये कब तक काम किया इसने, 29 जून 1991 पर यह संधि
समाप्त हो गए। ठीक है, अब सदस्य देशों की अगर बात करेंगे हम, तो सदस्य देशों में वही आएंगे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। चलो मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेंगे वैसे तो, इसको देख लें आप। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, और तीन ऐसे भी राष्ट्र थे जो बाहर के थे, क्यूबा, मंगोलिया और वियतनाम। ठीक है, वो भी लिखेंगे, वो लिखेंगे वो ज़्यादा सही रहेंगे, उनको भी देख लें आप। कहाँ पर था इसका मुख्यालय, वो भी ध्यान रखें, मास्को में था ये बैठक। कहाँ हुई? मास्को में। मास्को में मिल रहे हैं, कौन कौन मिल रहे हैं देखो। अब मैं बार बार आपको, मैंने पहले ही इसलिए सारी चीज़ें बार बार रिपीट किया क्योंकि ये ही चल रहे हैं, ये सत्ता के केंद्र में यही चलेंगे, विवादों के केंद्र में यही चलेंगे। शीत युद्ध का मूल कारण मार्शल योजना ही चलेगी, क्योंकि मार्शल योजना ने जो आर्थिक सहायता करने का प्लान चलाया, उस प्लान को अन्य यूएसएसआर के द्वारा भी इस प्लान का क्या किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। तो देखो, चेक को स्लोवाकिया, ठीक है, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, पूर्वी जर्मनी, USSR, और वियतनाम, वियतनाम के अलावा मंगोलिया, मंगोलिया के अलावा क्यूबा, ये ऐसे राष्ट्र वहाँ पर क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इन राष्ट्रों को ध्यान में रखने के लिए, यूगोस्लाविया भी है, बहुत सारे राष्ट्र हैं पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र रहे, यूगोस्लाविया, ये सारे राष्ट्र हैं, अल्बानिया या अल्बानिया भी जिसको कह देते हैं। मुख्य तो ये ध्यान रखें, ये भी था और ये भी था, ठीक है, मंगोलिया भी था। ये आते नहीं कई बार, ये तो आते रहते हैं रिपीटेशन में, ये नाम आते रहते हैं, वो नहीं आते। अब यहाँ पर आर्थिक एकीकरण हुआ, यानी आर्थिक नीतियाँ ही इस तरह की बनाई जाएंगी। तो अब देखो, ये नाम आपको याद है, आप इसके अलावा और देखें आप, ये नाम लिख लिए। अब इसके अलावा आगे चलें देखें तो इनके कारण क्या सुधार हो रहे हैं, जो पंचवर्षीय जो योजनाएं भारत में भी लागू हैं, ऐसी पंचवर्षीय योजना वहां भी चालू की जा रही है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत में भी इसका प्रभाव रहा था, भारत भी पंचवर्षीय योजनाओं में विश्वास रखता है। सरकारीकरण करना, या हम जिसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण करना, बड़े बड़े जो संस्थान थे, महत्वपूर्ण जो संस्थान थे, उनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, यानी कृषि को क्या किया गया, थोड़ा सा कम किया जा रहा है। औद्योगिक विकास को क्या किया गया, बड़ा किया गया, इस तरह के कार्य किए गए इस काउंसिल के द्वारा, और न केवल यूएसएसआर में बल्कि जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र और थे, उनके आर्थिक विकास की जिम्मेदारी भी किसने ले ली, आर्थिक योजनाएं कौन बना रहा है, उनके लिए आर्थिक प्लान कौन लेकर आ रहा है, उन्हें धन मुहैया कौन करा रहा है, ये सारे काम कौन कर रहा है, यूएसएसआर कर रहा है, मुख्यतः रूस कर रहा है। एक बात और बता दूँ आपको, जो इन दोनों का के लिए जो उत्तरदायी जो व्यक्ति है वो है स्टालिन, ये ध्यान रखें आप। स्टालिन जो कि रूस का लोह पुरुष कहलाता है, उसकी नीतियाँ भी इसी प्रकार की रही हैं, थोड़ी सी कठोर। वह किसी भी प्रकार से समझौतावादी व्यक्ति नहीं रहा, वह हमेशा ही कठोरतापूर्वक नीतियों का पालन करने में विश्वास उसका रहा है। इसीलिए स्टालिन जब तक रहा,
रूस की स्थिति या यूएसएसआर की स्थिति मजबूत रही, 1954 तक रहा था, ठीक है। तो जब तक ये रहा तब तक रूस या यूएसएसआर की स्थिति, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सैनिक, बड़ी मजबूत स्थिति में रही, क्योंकि उसकी नीतियाँ इतनी कठोर थी या इस तरह का व्यक्तित्व था उसका कि वह किसी तरह की कोई ढील देने में या किसी तरह का कोई रियायत देने में विश्वास नहीं रखता था। उसकी कुशल रणनीतिकार कह सकते हैं आप उसको, अच्छी रणनीतिक योजनाएं बनाता था, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे भी वो काम करता था, ठीक है। इसके साथ चलते हैं आगे। अगला जो हमारा बिंदु है, और ये समाप्त हो गया, जैसे मैंने बताया 1991 में समाप्त होने का कारण आपको पता ही है, बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। साम्यवादी गुट का विघटन हुआ है, तो उसके विघटन होने के प्रभाव से, उसके पूर्ववर्ती कार्यों को देखते हुए इसकी क्या हो गई है, इसको पहले समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह ले ली किसने, अब इसने किसकी जगह ली थी ये तो पता नहीं, लेकिन इसका समाप्तिकरण कर दिया गया। इसके द्वारा अलग जो संगठन बन रहा है या जो संगठन थे वो अलग हो गए, सदस्य देश नाटो में शामिल हो गया, कोई किसी का एकीकरण हो गया पूर्वी पश्चिमी जर्मनी का, तो इसकी उपयोगिता अब रही नहीं थी। और इसके खोखलेपन को या इनके या साम्यवाद के खोखलेपन को प्रभावित किया इस CME की नीतियों को भी, इस कारण ये नीतियाँ अब ज़्यादा प्रभावी नहीं रही। और जब किसी का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उसका विघटन प्रारंभ हो जाता है, ऐसा ही इस संगठन के साथ हुआ। आगे चलें, स्टालिन को तो रहने देते हैं। हमारा जो अगला व्यक्ति है जिसका नाम, अगला जो संगठन था वो था कॉमिनफॉर। कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। इसमें भी किसका प्रभाव रहा, स्टालिन का। किसकी प्रतिक्रिया में रहा, नाटो या जो अन्य राजनीतिक एकीकरण किया जा रहा है, राजनीतिक एकीकरण किसका, यूरोप का, अलग अलग संगठनों के माध्यम से, उसके बदले में किया गया, ठीक है। स्थापना कब हो रही है, अक्टूबर 1947, ठीक है। 5 अक्टूबर है वैसे तो, लेकिन डेट का कंफर्मेशन इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसके प्रयास सितंबर 1947 से प्रारंभ हुए। सितंबर 1947 को कौन कौन से राष्ट्र थे वो देखिए, यूएसएसआर, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, और यहाँ देखिए आप फ्रांस भी और इटली भी शामिल रहे थे इसमें। और कहाँ मिले ये, पोलैंड में इकट्ठे हुए। पोलैंड में इकट्ठा होकर इन्होंने ये कॉमन फॉर्म बनाए जाने का समर्थन किया। इनका मानना था कि कॉमन फॉर्म की स्थापना की जानी चाहिए, इसकी वजह से या इसके माध्यम से ये दो राष्ट्र अलग हैं फिर भी ये शामिल हो रहे हैं। तो इन्होंने पोलैंड में सितंबर के महीने में डिसीजन लिया कि ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जिसके द्वारा, या कॉमन फॉर्म होना चाहिए जिसके द्वारा कि साम्यवाद अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर सके, और उन नीतियों के फलस्वरूप वह विश्व में अपने द्वारा स्थापित जो विचारधारा है उसको स्थापित कर सके। तो आप देखें इसके कारण कब स्थापना हुई इसकी, 5 अक्टूबर 1947 में। और मुख्यालय कहाँ रखा गया, या तो यहाँ लिख लें आप स्थापना कारण, व्यक्ति, जिस व्यक्ति का प्रभाव रहा, बैठक, ठीक है, और ये सदस्य देश थे इसके, और इसका जो कार्यकाल रहा ये 4 मतलब अप्रैल 1956 तक काम किया इसने।
अप्रैल 1956 के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो गया और इसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थान लिया था। ये जो संगठन था इससे पूर्व था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो प्रारंभ से ही काम कर रही थी, जो इसकी स्थापना से पूर्व यानी 1947 से पूर्व ये संगठन काम कर रहा था और इसकी चार बैठकें हुई थी और इसमें भारत के कम्युनिस्ट व्यक्ति भी क्या करते थे, बैठक में भाग लेते थे। और उस बैठक में भाग लेने के दौरान इनके द्वारा भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा का क्या हुआ, विस्तार हुआ। यानी कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो केवल मात्र इस आधार पर नहीं थी कि वह रूस की ही विचारधारा थी, भारत में भी इसके समर्थक थे, भारत में भी इसके मानने वाले थे। इसलिए तो भारत की शुरुआत में नेहरू की जो विदेश नीति थी उसमें कहीं ना कहीं साम्यवाद का प्रभाव रहा या USSR का प्रभाव रहा, जिसके कारण वह अपनी पोजीशन प्राप्त कर पाया। अब भारत इसमें शामिल नहीं हो गया, इसका मतलब भारत ने अगर USSR की किसी ऐसी चीज़ को अडॉप्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत पूर्णतः साम्यवादी गुट में शामिल हो गया, ये भी एक तरह का इफेक्ट था। देखो सदस्यता नाटो की तो वो डिसाइड करते थे लेकिन इसमें ऐसी कोई विचारधारा को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई भी राष्ट्र इस संगठन में शामिल हो सकता था। अब देख लें यहाँ फ्रांस और इटली शामिल हो रहे हैं जबकि ये साम्यवादी विचारधारा के राष्ट्र नहीं हैं, फिर भी ये वहाँ पर शामिल हुए और इन्होंने उस बैठक में भाग लिया। अब इन्होंने किस तरह से काम किया, इन्होंने जो बात की, इन्होंने इस बैठक में क्या क्या तय किया था। इनके द्वारा जो पहली बैठक हुई थी उसमें डिसीजन लिया कि एक तो सूचना और समन्वय तंत्र बनाया जाएगा, सूचना व समन्वय तंत्र बनाया जाएगा जो कि सदस्य राष्ट्रों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। एक बेलग्रेड मुख्यालय होगा जो कि हमने पहले बात कर ली, बेलग्रेड में मुख्यालय की भी बात इस पोलैंड में ही तय कर ली गई थी। सदस्य राष्ट्रों के विकास को, सदस्य राष्ट्रों को विकास के लिए संसाधन, तकनीकी ज्ञान और यहाँ तक कि इंजीनियर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, इंजीनियर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी कोई भारी मांग नहीं कर रहे हैं, बड़ी कोई, आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी राष्ट्र थे पूर्वी यूरोप के संसाधनों से भरे हुए राष्ट्र हैं लेकिन किस आधार पर पीछे थे, तकनीकी दृष्टिकोण से, या तकनीक इनके पास इतनी अच्छी नहीं होती थी। रूस ने साम्यवाद के आधार पर अपना इतना विकास कर लिया था, इतना डेवलपमेंट कर लिया था कि उसके यहाँ उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा था, तो उसके पीछे उसकी तकनीक का हाथ था, औद्योगिकरण का हाथ था। हालांकि कारखानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस तकनीक को इसने रूस ने USSR का मुखिया होने के नाते अपने सदस्य राष्ट्रों को भी देने का प्रयास किया या तकनीक वहाँ भी उपलब्ध करवाने का काम किया। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हर राष्ट्र के दो दो प्रतिनिधि यहाँ शामिल होंगे। अब वो दो इसलिए ताकि किसी तरह दो प्रतिनिधि शामिल होंगे इस संगठन में, इस तरह की विचारधारा या इस तरह के जो उद्देश्य थे वो शामिल किए गए उस बैठक में। ठीक है, अब वर्तमान में ऐसा कोई भी संगठन शामिल नहीं है क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, इन राष्ट्रों का विखंडन हो चुका है, इनकी अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति का पालन करते हैं, अपने हितों का स्वयं ध्यान रखते हैं और किसी राष्ट्र के साथ क्या संबंध स्थापित करने हैं, कौन से संबंध स्थापित नहीं करने हैं, ये सब इसी राष्ट्र का प्रभाव हो सकता है। अब आप देखिए कि यूरोप के एकीकरण का विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा या पूर्वी यूरोप के एकीकरण का इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विचारधारा का लेकर तनाव खड़ा हुआ था या शीत युद्ध जो चल रहा था, उस शीत युद्ध का समापन साम्यवाद के विघटन के साथ हुआ, तो जो ये व्यवस्था थी एकीकरण की, यह व्यवस्था भी तात्कालिक रूप से समाप्त हो गई, लेकिन उसका स्थान ले लिया EU ने। यानी अब वहाँ पर एकमात्र
नाटो बच रहा है यूरोप में और एक ईयू बच रहा है बड़े स्तर पर जो संगठन है, और ये दोनों संगठन किसी राष्ट्र विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, किसी विचारधारा के आधार पर डिवाइडेशन नहीं करते हैं। पूर्वी यूरोप के राष्ट्र भी नाटो में शामिल हैं, पूर्वी यूरोप के राष्ट्र यानी पूर्व साम्यवादी राष्ट्र भी ईयू और नाटो दोनों में शामिल हैं। रूस नाटो का सहयोगी राष्ट्र रह चुका है या सहयोगी राष्ट्र के तौर पर काम कर चुका है, वह ईयू में अभी इतना प्रभावी काम नहीं है या ईयू से इतना संपर्क नहीं है, लेकिन नाटो के रूप में सहयोगी के रूप में वो काम कर चुका है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के आपसी संबंधों को समाप्त होने पर संपूर्ण यूरोप की जो आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी परिवर्तन आ चुका है। आप खुद देखिए कि इस तरह का जो एकीकरण है वह न केवल यूरोप के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी लाभदायक रहा। अगर हम बात करते हैं आगे किसी अन्य संगठन के बारे में तो वो इतना ही प्रभावी रहा है जितना कि आज ईयू है। यूएनओ और ईयू दोनों जो संगठन रहे हैं वे सभी अपने अपनी भावनाओं को लेकर काम करते हैं। देखो मैं बताऊं इसका प्रभाव, अगर प्रभाव की बात करते हैं एक बार देख लें, सबसे बड़ा प्रभाव तो यूएनओ में पड़ रहा है इनका, यूरोप के एकीकरण का या साम्यवाद के विघटन के कारण जो परिस्थितियां बनी उनका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? यूएनओ में मतदान को लेकर जो खींचतान होती थी वह क्या हो चुकी है? समाप्त हो गई है। मतदान को लेकर जिस तरह का विवाद होता था वह लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि पहले जिस ग्रुप के जो राष्ट्र होते थे वह विरोधी गुट के पक्ष में नहीं विपक्ष में मतदान डालने का प्रयास करते थे। इसके कारण विश्व की जो आर्थिक शांति है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसको खतरा उत्पन्न हो जाता था। आपसी संबंधों में भी क्या रहता था? तनाव रहता था। किसकी वजह से? उन दोनों यूएसएसआर और अमेरिका के आपसी संबंधों में जो तनाव रहता था उस तनाव के कारण इन यूरोपीय राष्ट्रों के संबंधों में भी क्या रहता था? तनाव। अब वह तनाव भी क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, ठीक है। और जो संसाधनों का संशोधन लिखने वाला था मैं, संसाधनों का जो खनन या उत्पादन है वह भी मिलकर किया जाता है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये भी एक आर्थिक कारण होता था जिसके कारण इन राष्ट्रों में तनाव उत्पन्न, आर्थिक तनाव का कारण बनता था, ठीक है। तो आज इसको समाप्त कर दिया गया। तो आप ये ध्यान रखें कि जो ये व्यवस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इनके एकीकरण के, अंतर्राष्ट्रीय शांति पर सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि दोनों संगठन बराबर पावरफुल हैं। आप ये देखें दोनों संगठन कैसे हैं, बराबर पावरफुल हैं। तो बराबर पावरफुल हैं तो एक दूसरे पर अटैक करने से पहले सोचा जाएगा कि हम दूसरे गुट पर आक्रमण करें या नहीं करें, क्योंकि प्रतिक्रिया आने की पूरी पूरी संभावना रहती थी। तो यहाँ पर जो शीत युद्ध का जो तनाव था वो किसी भी तरह से युद्ध में नहीं बदला, क्योंकि ईयू का आर्थिक राजनीतिक और सैनिक आधार पर क्या कर दिया गया, दोनों ग्रुपों ने अपना अपना एकीकरण पूरा कर लिया था। और ये एकीकरण पूरा होने के कारण एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को किसी भी तरह से डरा धमका नहीं सकता था या अनैतिक आधार पर काम नहीं करवा सकता था। तो आप देख सकते हैं कि जब ये एकीकरण हुआ तो इसने विश्व की परिस्थितियों को ज़्यादा तनावपूर्ण होने से क्या किया? रोका, और ख़ासकर यूरोप की परिस्थितियों को तो सामान्य बनाए रखने में योगदान दिया। और दूसरा देखिए एकीकरण का प्रभाव क्या रहा, यूरोप का जो केंद्रीकरण था या यूरोप जो केंद्र बना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय तनाव का, वहाँ से वो कहाँ चला गया? एशिया की तरफ। अब यूरोप तनाव का जो कारण था यूरोप, वो कारण कौन हो गया? अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण यूरोप से कहाँ चला गया? एशिया की तरफ। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु कौन हो गया है? एशिया, ठीक है। ये भी एक एकीकरण का प्रभाव रहा।
या हम कह दें ईयू के एकीकरण ने कहीं ना कहीं साम्यवाद के विघटन में भी योगदान दिया, या साम्यवाद के विघटन के बाद साम्यवादी ताकतों को वापस प्रभावी होने से रोकने में भी किसने योगदान दिया? ईयू के एकीकरण ने। ठीक है, अब इसको और अगर हम देखना चाहें तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए मार्केट समान रूप से उपलब्ध है। ईयू किसी भी, अगर मैं ईयू बार बार कह रहा हूँ तो इसका मतलब आज अमेरिका या साम्यवादी जो गुट है वो निष्प्रभावी हो चुका है। ठीक है, तो ईयू कहने का मतलब ईयू खुद भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो ये मार्केट बनने के कारण यहाँ पर विश्व के अन्य जो राष्ट्र हैं वे अपने प्रोडक्ट को बेचने और ख़रीदने के लिए भी आएंगे। इससे उन दो ईयू के उन राष्ट्रों के साथ आर्थिक संबंध अच्छे होंगे और आर्थिक संबंध ही अन्य संबंधों की नींव का काम करते हैं। तो ईयू आज ईयू पश्चिमी और पूर्वी दोनों यूरोप के राष्ट्रों का संगठन है। तो ये चाहता है कि आप सभी तरह से इस संगठन को सफलता मिली और आगे भी ये संगठन प्रभावी रूप से काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। अब जो यूएनओ है उस यूएनओ में भी सदस्यता के लिए ईयू का समर्थन भारत प्रयास कर रहा है चाहने का, क्योंकि हमारा अगला बिंदु यही रहेगा कि ईयू में किस तरह का सुधार किया जाए या ईयू को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए के साथ साथ यूएनओ में भी भारत की भागीदारी किस तरह से बढ़े। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आज यूरोप के एकीकरण का सकारात्मक प्रभाव ही रहा है, किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे जो भी हमारी इस यूनिट का समस्याओं की बात कर रहे हैं, हम लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करें, ठीक है, और अगर कोई और भी बात हो तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। और भी अगर इसको डिटेल करना है या क्या क्या क्वेश्चंस तैयार होते हैं, ये तो मैंने आपको भिड़ते ही पहले बता दिया था कि क्वेश्चनों का स्तर कैसा रहेगा, क्या पूछा जा सकता है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।